Hi guys, welcome back to our channel Food Baby and we are back with our paneer recipe series episode number 2. तो आज की स्पेशलिटी है हमारे क्रंची क्रिस्पी पनीर कुरकुरे. तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. तो गाइस, इंग्रेडिएंट्स में हमने ले लिए कॉर्नफ्लेक्स, 250 ग्राम पनीर, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ कप मैदा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर. तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स. लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप. सो गाइस, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें पनीर को क्यूब्स में कट कर लेना है. तो गाइस, आप देख सकते हैं हमें ऐसे इतने थिक क्यूब्स कट कर लेने हैं. गाइस, हमारे पनीर हमने क्यूब्स में कट कर लिए हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. सो गाइस, बैटर रेडी करने के लिए हमने ले लिया है मिक्सिंग बोल. अब मैं उसमें हाफ कप मैदा ऐड कर दूंगी, हाफ कप कॉर्नफ्लोर. स्पाइसेस में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट. तो गाइस, हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं. अब इसको बैटर को बनाने के लिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, स्टर करेंगे. तो गाइज, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफी बढ़िया आई हुई है. एकदम मीडियम थिक बैटर है हमारा और ये एकदम रेडी है. तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. तो गाइज, थर्ड स्टेप में हमने ले लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स. अब हम इनको क्रश करेंगे. हमें इन्हें ज्यादा क्रश नहीं करना, हम सिर्फ माइल्डली क्रश करेंगे इन्हें. Guys, this is my favorite part of the whole video. तो गाइज, आप देख सकते हैं ये बढ़िया क्रश हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को. गाइज, नेक्स्ट स्टेप में हम पनीर की कोटिंग कर लेंगे. गाइज, ये अच्छे से डिप हो चुका है. अब हम इसकी कॉर्नफ्लेक्स से कोटिंग कर देंगे. जब तक हम दूसरा बना रहे हैं इसको हम इसी में रहने देंगे. तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मैंने एक एक करके कोट कर लिया है. अब ये रेडी टू फ्राई. नेक्स्ट स्टेप में हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है. अब इसको हम थोड़ा सा हीट होने देंगे. गाइस, इसमें हमने ऐड कर दिया है अपने पनीर क्यूब को. ये हमने कढ़ाई से निकाल दिए हैं, ये देखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं. और मैंने टिश्यूज पेपर पे डाल दिया ये, सो दैट लेफ्ट ओवर ऑयल निकल जाए इसका. तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सारे एक एक करके पनीर क्यूब्स अच्छे से फ्राई कर लिए हैं.
अब हम इसकी क्रंचीनेस चेक करते हैं। काफी क्रंची है, आ रही है आपको ये आवाज? तो गाइस आइए देखते हैं इसे। अंदर से काफी सॉफ्ट है और बाहर से काफी क्रंची है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रेडी टू सर्व है और ये देखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं और काफी क्रंची भी हैं। मैं आपको दिखा चुकी हूँ कितने क्रंची थे ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।